अनुराग, महंगाई पर लेकर जो जिस तरह की चर्चाएं होती हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई है कहाँ आखिर? आप देख रहे हैं सब अमन चैन पर, देश की जनता भी वही चाह रही है कि हाँ महंगाई बिल्कुल नहीं है, हर तरफ रामराज है, तो फिर कैसे? आपने भी रामराज का पूरा ये किया, भगवा भगवा किया, तो कहीं ना कहीं आप भी खुश हैं महंगाई को? क्या आपने महंगाई पर बात की, जो डीजल पेट्रोल 50 और 55 रुपये में हुआ करता था वो आज 100 रुपये में पहुंच गया है। महंगाई है या नहीं है? जो सिलेंडर 400 रुपये में था 410 में हो गया था। स्मृति ईरानी जी सर पे ऐसे लेके घूमती थी, अब आप बताइए कि 1000 पार हो गया है, महंगाई है कि नहीं है? बताइए, किसानों की आय 33 रुपये थी 2014 से पहले, 33 रुपये प्रतिदिन, अब आज 2726 रुपये में अटक गई, बताइए महंगाई है कि नहीं? सम्मान निधि भी तो दिया जा रहा है। सम्मान निधि आप 2000 रुपये में क्या कर लेंगे भाई? ये चाय आप पी रहे हैं, चाय 4 रुपये और 5 रुपये की आती थी एक समय पर, आज ही भी 10 और 12 रुपये में मिल रही, बताइए महंगाई है कि नहीं है? महंगाई के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, ये भी सरकार आंकड़ा दुगनी हुई होगी, पत्रकारों की आय तो दुगनी हुई है, हमको मालूम, हमको मिर्जा गालिब ने लिखा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है, तो आप लोगों की आमदनी दुगनी हुई होगी। आप किसान से जाके पूछिएगा, जो यूरिया का बोरा 50 किलो का आता था वो 45 और 40 किलो का कर दिया गया है, बताइए बेईमानी है कि नहीं है? फिर भी किसान तो खुश हैं। कौन सा किसान खुश है? आप बताइए, दिल्ली में भी किसान घेर रहे हैं ना, किसानों को आने नहीं दिया गया, कह रहे हैं कि आपका MSP बढ़ाएंगे, MSP कब बढ़ेगी भाई? किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कब की जाएगी भाई? उनकी फाइलों, हमारे आदम साहब, आदम गोडवी हैं, गोंडा से हुए थे, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। तो किताबों में विकास हुआ है, जमीन पर जाके देखिए विकास नहीं है। RLD की जहां बात की जाए, उत्तर प्रदेश में RLD किसानों के मुद्दों को लेकर हरदम चर्चा में रहती है, लेकिन आज आपने देखा होगा कि गठबंधन से वो अपना नाता उड़ दिए हैं और ये NDA में जाने की पूरी तैयारी करें, तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो किसान कहां जाएंगे फिर? देखिए, जयंत चौधरी जी पे मुझे यकीन है, बाकी उनका जो फैसला रहेगा भाई, उनका पर्सनल विचार भी हो सकता है। चौधरी चरण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने भी भारत रत्न भी दे दिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति ऐसी कर रही है कि लोगों को कैसे कन्वर्ट किया जाए, जहाँ हिंदू मुसलमान से दाल गलती हिंदू मुसलमान करते हैं, दलित ब्राह्मण जहाँ करना होता है दलित ब्राह्मण करते हैं, जहाँ किसानों की ऐसे करना होता है, लेकिन उनका प्री प्लानिंग जो होता है ना वो सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि आप बताइए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने वालों पर कार्रवाई कब होगी? उस पर तो आप लोग नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि उनका अगर कार्रवाई पर आप लोग सवाल पूछेंगे तो आप लोगों को जेल के पीछे ढकेल दिया जाएगा या रोड एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये सरकार निकम्मी है पूरी तरह? बिल्कुल, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, निकम्मापन तो बिल्कुल ही है। कहाँ बदलेगी सरकार ये? कहाँ बदलेगी? EVM एक बार हट जाने दीजिए साहब, तालाब भी सूख जाएगा, कमल भी सूख जाएगा, राख हौसला और मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। चुनाव आयोग तो थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि आप लाके डेमो दिखाइए, यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको EVM, फिर कैसे? अभी पटियाला हाउस पे वकीलों ने कहा था 50 EVM दे दीजिए, हम तुरंत हैक करके दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस प्रशासन ने जाने नहीं दिया, EVM नहीं दिया। अब आप बताइए कि कब मिलेगा EVM? जब चुनाव हो जाएगा तब? आपने भी चंडीगढ़ का देखा ही होगा कि अंदर किस प्रकार की धांधली हो रही है, तो बाहर का भी देख लीजिए। अब 24 तो भाई अगर EVM से चुनाव होगा तो अपने हाथ से चला जाएगा। EVM से अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जनता का विश्वास अब उठ रहा है और जनता अब एक ही हुंकार भर रही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। पूरे देश में राम लहर चल रही है। देखिए, राम लहर चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन राम राज्य की बात ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? राम राज्य की बात ये सरकार कब करेगी? राम राज्य की बात ये इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि राम राज्य की अगर ये बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जिन पत्रकारों की अभी भी जमीर जिंदा है वो सवाल पूछेंगे कि राम राज्य में महंगाई कैसी थी और आज के समय पर महंगाई कैसी है, राम राज्य के समय पर बेरोजगारी कैसी थी, आज के समय पर बेरोजगारी कैसे है, राम राज्य के समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी और आज के समय पर महिलाओं की स्थिति क्या है, राम राज्य के समय पर क्या था और आज के समय पर क्या है। राम राज्य के समय पर आपको याद होगा कि भगवान एक धोबी समाज के व्यक्ति ने एक टिप्पणी कर दी थी और भगवान राम ने ED और CBI नहीं भेजा था, राजा थे, चाहते तो उसे फांसी दे सकते थे लेकिन नहीं किया, उन्होंने परित्याग किया। राज की सरकार में अगर कुछ बोल दो, मैं कह रहा हूँ अगर नागार्जुन जी होते और जो नेहरू जी के लिए उन्होंने कविता पढ़ी थी वही मोदी जी के लिए पढ़ते तो मोदी जी रोड एक्सीडेंट करवा दिए होते या तो ADCBI भेज देते। उन्होंने पढ़ा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं फिर भी गांधी के समाज पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। आज वर्तमान सरकार को कोई कह दे, कहेगा कोई? अगर कोई कहेगा तो ED CBI का संबंध तैयार है। नहीं, आप जैसे लोग तो कहते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई कहाँ होती है? भाई, कार्रवाई हो रही है और हो रही है, मतलब कई बार ये कर चुके हैं, लेकिन सत्य को समय लगता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है।
सत्य को समय लग सकता है, आप कितनी बार हमको परेशान करेंगे, जनता है हमारे साथ, दुआ करो कि सलामत रहे, मेरी हिम्मत या अनुराग कई आंधियों पर भारी है। अनुराग ये बताइएगा कि जैसे गांधी और नेहरू को जिस तरह की गालियां दी जाती हैं और कहते हैं कि नेहरू और गांधी ने देश को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं किया, तो नेहरू और गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए गांधी के बारे में गांधी के आगे मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो मैं गांधी जी के बारे में क्या बताऊँ भाई। और वही लोग गांधी और नेहरू को गरियाते हैं जो अपने माँ बाप को गरियाते हैं, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो गांधी और नेहरू का होने वाला नहीं। आप कितना भी निकम्मा हो जाएंगे, कितना भी निकम्मा हो जाएंगे, फिर भी अपनी 80 साल बूढ़ी माँ को ATM के बाहर नहीं खड़ा करेंगे। और घर में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना साहब, तो घर का TV बेच देता है, सोफा बेच देता है, खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है, जेवर बेच देता है। तो वर्तमान सरकार वही कर रही है। बताइए कि अपन मोदी जी नोटबंदी के समय में अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया उन्होंने। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो अपनी माँ को भैया सगा नहीं हुआ वो नेहरू और गांधी का सगा होगा। नेहरू और गांधी को गाली देने से पहले नेहरू और गांधी के बारे में पढ़िए। गांधी जी ट्रेन से धक्का दे दिया था, वो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ गए थे। और गाँव के प्रधान से जो लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है, 5 सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता है, वही लोग नेहरू और गांधी को गरियाते हैं। आपने कहा कि ATM के बाहर अपनी माँ को खड़ा कर दिया गया था, निकम्मापन है भाई, निकम्मापन नहीं। उन्होंने देश को ये दिखाया कि मैं अपनी इतनी बूढ़ी मेरी माँ खड़ी हो सकती है, तो फिर और भी आदमी क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? मनोज तिवारी ने एक गाना भी गाया था कि देशभक्त हैं कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। जब नोटबंदी में लोग खड़े थे तो मनोज तिवारी जी गए थे पैसा निकालने, तो लोगों ने कहा कुछ बोलिए कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि देशभक्त हैं कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। ये कौन सी भाई, कौन सी अपनी माँ का भाई, कितना भी निकम्मा, मैं फिर वही बोलता हूँ कि कितना भी निकम्मा होगा कोई नहीं खड़ा, आप खड़ा करेंगे, आप खड़ा करेंगे देश हित में? क्या देश हित में कौन सा अरे भाई देखो मैं माँ पर ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये तो क्या नरेंद्र मोदी निकम्मे हैं? बिल्कुल बिल्कुल निकम्मापन है ये, जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो देशवासियों का सगा नहीं होगा। नेहरू जी के बारे में पहले पढ़िए, अगर नेहरू को गरियाना है तो नेहरू जैसा बनो पहले। नेहरू जैसा मोदी जी बन पाएंगे? 24 घंटा सदन के अंदर नेहरू को गरियाने का काम करते हैं, 24 घंटा गांधी को 24 घंटा ये लोग गरियाने का काम करते हैं, लेकिन गांधी के आगे ही नतमस्तक होना पड़ता है इनको। विदेश में जाके ये नहीं कहते हैं कि गोडसे की वजह से हमारी पहचान है, उनको बताना पड़ता है गांधी की वजह से हमारी पहचान है। गोडसे का क्या इतिहास है भाई? गांधी का इतिहास है, नेहरू का इतिहास है, पटेल साहब का इतिहास है, अम्बेडकर साहब का इतिहास है, लेकिन ये लोग गरियाने में माहिर हैं। और हम लोग पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो चोर का तो काम ही होता है कि शरीफों को गरियाया जाए। गांधी की वजह से ही तो भगत सिंह को फांसी हुई, ये किसने कह दिया भाई? आप पढ़िए, आप पढ़िए इरविन समझौता, आप पढ़िए। उन्होंने तो पर्सनल मिलने के लिए बोला, उन्होंने ही कहा कि हम सज़ा कम करवा तारीख बढ़वा सकते हैं लेकिन फांसी नहीं रुकवा सकते। गांधी जी ने तो उनसे पर्सनल मीटिंग की उसके लिए। भाई कौन कह रहा है भाई कि गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई? कौन कह रहे हैं ये लोग? कहाँ कहाँ से आते हैं? आज की युवा पीढ़ी के, आज के युवा पीढ़ी थोड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। गांधी जी क्या कहा करते थे आपको पता है? हे राम। और गोडसे क्या कहा करता था? जय श्री राम। तो आज के जो जय श्री राम वाले हैं ना, वही गोडसे हैं और वही गांधी को गरियाने का काम करते हैं। किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। मोदी जी का तो भैया, मोदी जी उनके जो भक्त हैं उनके बारे में तो जितनी उनकी आलोचना की जाए उतना कम है। और गांधी और नेहरू को मैं कह रहा हूँ कि जो भी गरियाते हैं पहले गांधी और नेहरू को अगर एक इतना पढ़ लेंगे ना, इतना रत्ती भर, तो गांधी और नेहरू को गरियाना भूल जाएंगे। तो बिना पढ़े हुए हैं सब, बिल्कुल अनपढ़ हैं वो लोग। गांधी को किस लिए गरिया रहे हैं आप बताइए? आप तो नहीं गरिया रहे हैं ना? नहीं, मैं तो गांधी को पूछता हूँ, पूछता हूँ गांधी को, बिल्कुल गांधी जी पूजनीय है, पटेल साहब पूजनीय है, लेकिन आज की जो सरकार है उनके दौर में, जब से उनका दौर आया 2014 के बाद में, क्या युवा 2014 से पहले नहीं थे? आप 2014 से पहले युवा रहे होंगे, यंग रहे होंगे, हैं? अब बताइए कि आप तब तो नहीं गरियाते थे, लेकिन आज का जो युवा है वो गांधी को गरिया क्यों रहा है? अगर गांधी को लेकर, गांधी कितना डिग्री अगर हो जाए तो गांधी को गरियो, नेहरू कितना ज्ञान हो जाए तो नेहरू को गरियो, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए? फेसबुक यह ज्ञान है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से जितना सिलेबस जाता है ना उतना ही वो लोग पढ़ते हैं, उससे परे कुछ नहीं जाएंगे।